बनी रहेगी शिंदे सरकार। उद्धव गुट की याचिका दरकिनार। असली शिवसेना शिंदे गुट। फिर बाला साहेब ठाकरे का बेटा क्या? एक फैसला जिसने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इन दिनों दोगुनी कर दी है। उद्धव के हाथ से पुश्तैनी राजनीति लगभग फिसल गई है। उद्धव को इसका गम दोगुना है। बाला साहेब ठाकरे का बेटा होने के बावजूद उद्धव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ महसूस की जा सकती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो हैविंग हेल्ड दैट द शिंदे फैक्शन वाज द रियल पॉलिटिकल पार्टी व्हेन द राइवल फैक्शंस इमर्ज द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर दैट द रेस्पोंडेंट्स हैव गॉन इनकम्युनिकेडो सीजेस टू होल्ड एनी मीनिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द 20th ऑफ जून 2022 elections for the legislative council were held. In his cross-examination, Sri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Sri Milind Narvekar and Sri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction had gone to Surat and met Sri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Sri Uddhav Thackeray. Maharashtra Vidhan Sabha Adhyaksh ke faisle se na Shinde sarkar ki sehat pe koi fark padega, na hi Uddhav Thackeray ki gutwali Shiv Sena UBT ke vidhayakon ki sadasyata par koi fark padega. Dono kheme ke vidhayakon ki sadasyata barqarar rahegi. लेकिन बाला साहेब ठाकरे के बेटे और पोते को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा क्या हुआ जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की रहकर एक नाथ शिंदे की हो गई? क्या उद्धव और आदित्य अपनी विरासत को संभालने में नाकामयाब हो गए? क्या उद्धव और आदित्य मराठों का दिल जीतने में फेल हो गए? क्या बेटे और पोते हिंदुत्व के मुखर अग्रणी बाला साहेब ठाकरे के विचारों को संजो कर नहीं रख पाए? इन सवालों के जवाब मौजूदा राजनीति में मिलते हैं। आज उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना यूबीटी यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का हिस्सा है, वो अलायंस जिसका प्रतिनिधित्व लगभग कांग्रेस कर रही है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस की विचारधारा के धुर विरोधी थे। बाला साहेब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, कांग्रेस के बारे में बाला साहेब ठाकरे के विचार, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, हिंदुत्व के लिए शिवसेना को मान सम्मान मिलता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस का दामन नहीं थामूंगा। आज जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों की पॉलिटिक्स है, वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों से हरगिज मेल नहीं खाने वाली। शिवसेना यूबीटी एनसीपी और आईएनसी की विचारधारा बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से बिल्कुल विपरीत है। शिवसेना यूबीटी ने शिव सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे का दुर्भाग्य है जो शिव सैनिक उनके ना होकर एकनाथ शिंदे के हो गए हैं। दरअसल जून 2022 में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट होने के बाद शिवसेना दो धड़ों में बट गई थी। पार्टी का एक खेमा एकनाथ शिंदे के साथ तो दूसरा उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा था। इस तरह विधानसभा अध्यक्ष के सामने दोनों पक्षों ने 34 अयोग्यता याचिका दायर की थी। इसमें खुद को असली शिवसेना पार्टी बताने और दल बदल विरोधी कानूनों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना यूबीटी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना जो महाराष्ट्र की सत्ता पर विराजमान है, सत्ता को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसे लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने मामला विधानसभा स्पीकर के पाले में डाल दिया था। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बीच का फैसला सुनाते हुए दोनों दलों के विधायक को विधानसभा में योग्य करार कर दिया। उद्धव ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया। उद्धव गुट इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का विचार कर रही हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर के इस फैसले का 2024 में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ केंद्र की बीजेपी खड़ी है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।